और अब खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर सारथीगुड़ा फर्जी एनकाउंटर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ बासागुड़ा थाने में शिकायत दर्ज की गई है। इस पर रमन सिंह ने कहा है कि मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि न्यायिक जांच आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से बातचीत की है स्वराज संवाददाता आशीष तिवारी ने। सारथीगुड़ा एनकाउंटर के बाद कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता आज दंतेवाड़ा में FIR दर्ज कराने पहुंचे थे। हालांकि FIR नहीं हुई, लेकिन FIR की जगह शिकायत जरूर ले ली गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सत्ता हमारे साथ हैं, उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने। सर, किस तरीके से देखते हैं? पूरी की पूरी रिपोर्ट, खासतौर से जो रिटायर्ड जस्टिस अग्रवाल की रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट के आधार पर क्योंकि सदन के हाउस के टेबल में वो आ गया है रिपोर्ट, और रिपोर्ट में जो अनुशंसा होगी, कमेटी क्यों बनाया जाता है एक रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में, कि वो सारे तथ्यों को जानकारी को सामने लाए। और कहीं न कहीं उस समय भी लोगों ने मांग की थी कि जांच होनी चाहिए, जांच हो गई है, जांच की रिपोर्ट शासन के पास है। अब आगे इस पर अलग अलग भूमिका क्या हो सकती है, और भूमिका में दोषी यदि कोई पाए जाते हैं तो इसके बारे में राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से FIR में आपके नाम को दर्ज किए जाने की बात ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कर रहे हैं, इसे लेकर कोई रिस्पॉन्ड क्या? ये तो राजनीतिकरण करने का प्रयास है और षड्यंत्र है। राजनीतिकरण इसमें क्या है, जो मामले हैं जांच, यदि आप जांच नहीं कराए होते तो आप बात होती, जांच की रिपोर्ट आ गई है उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। क्या हो सकता है सरकार को किस तरीके से फौरी तौर पर एक्शन लिए जाने की जरूरत है? आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके समय ये न्यायिक जांच आयोग गठित की गई थी, अब रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी DG और बाकी लोग बैठ के क्या क्या रिकमेंडेशन है उस आधार में आगे बढ़ना चाहिए। तो न्यायिक जांच आयोग की अनुशंसाओं पर अब सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार किस तरीके से इस पर एक्शन लेती है और अनुशंसाएं जो हैं उस पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।